और ये है टेंट सिटी, यहाँ पे आ गया रण उत्सव टेंट सिटी। और ये है क्लस्टर डी एसी स्विस कॉटेजेस, और ये है हमारा टेंट। चलिए टेंट के दर्शन करते हैं अंदर से। ये है टेंट, और अंदर जाके यहाँ पर है याशी क्या कर रही है, और यहाँ पर ये वाटर दे रखा है कॉफी चाय वगैरह के लिए, और ये अपना एसी चालू कर दिया है क्योंकि तो कपड़े का टेंट है तो बहुत ज़्यादा गर्म था अभी। अगर अभी एसी चालू करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया, हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये दो बेड हैं यहाँ पर, अच्छा लगा एक ये छोटा सा लैम्प दे रखा है अगर आपको लैम्प चलाना है तो। बेसिकली वो पहले तो ना ऑयल लैम्प होते थे, इसमें तो वो वो लगा हुआ है यार। CFL या फिर जो बोलते हैं वो लगा हुआ है। और यहाँ पर ये दो बेड हैं। इसमें क्या है, इसमें टिश्यू पेपर, एक छोटा सा नोटबुक, नोटपैड, दो पेंसिल याशिका के लिए, और यहाँ पे कैटल भी दे रखी है एक, अगर आप कैटल गर्म पानी है या फिर कॉफी वगैरह के लिए करना है तो। एसी चालू हो गया है। ये रैक है छोटा सा सामान रखने के लिए, स्लीपर्स दिए हैं पहनने के लिए, और इधर ये वॉशरूम है, टॉवल दे रखा है, इधर ये टैप, ये छोटा सा लैंप यहाँ पे दे रखा है जैसे इधर जल भी रहा है ये तो, और ये मिरर, ये वॉश बेसिन यहाँ पर, ये सारा अपना इसका शैम्पू एंड ऑल दैट। ये टॉयलेट हेयर वही है सेम जैसलमेर जैसा है, मगर वही है थोड़ा सा लग्जीरियस है यहाँ पे थोड़ा सा, तो भाई उसका पैसा ज्यादा है वो जैसे उधर जैसलमेर में। जाने के लिए ऑटो और वो सब लगा हाँ, रखा वो है बहुत बड़ा जगह तो है तो भाई इसलिए इधर से थोड़ा सा उधर है। जाने के लिए ऑटो ई कार्ट और वो सब लगा बना रखे हैं, यहाँ चालू कर एक इस रखा है। करके कालीन टाइप डाल रखे हैं, वहाँ प्लेन हाँ डाला था प्लेन नीचे जो वर्क चल रहा है इनका वो वही सब। लग्जरी टाइप का होता है भाई, हाँ जैसे होटल्स में होता है छोटी छोटी चीजों में लग्जरी। चेयर्स और वो कर रखा है हाँ वहाँ, ऐसा कुछ था नहीं, चेयर्स और हाँ टेबल नहीं थी, ये सब है वही सब चीजों का पैसा है, बस। पैसा भी हुआ मगर बहुत ज्यादा है, 6 times मोर देन दैट। और अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए तो यहाँ से थोड़ा दूर हो जाएगा। अभी हैं हम यहाँ पर डी क्लस्टर बताया है, और डाइनिंग एरिया पता नहीं कहाँ पर है, क्लास बीच में क्लस्टर पड़ा था सी सी, डाइनिंग क्लस्टर क्लस्टर सी सी कर, हाँ क्लस्टर सी में है हाँ जब हम डाइनिंग आए एरिया। थे, हाँ आ रहे थे ना तो बीच में था, मैंने देखा था हाँ तो डाइनिंग अभी हॉल वन। हाँ अपना कुछ करो भाई, फैमिली के साथ बैठो। जैसलमेर में थे तो ऐसे एरिया में प्रोग्राम वगैरह हो रहा था, यहाँ प्रोग्राम के लिए कॉमन एरिया में जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारा होगा फिर वहाँ पे कराएंगे। और अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए। वैसे तो गोल्फ कार्ट वगैरह है यहाँ पर, मगर हमने कहा कि वॉकिंग डिस्टेंस में यार इतना क्या, गाड़ी में बैठ के जाओ अपना थोड़ा बहुत चलो। वेट करना पड़ेगा, खड़े रहना हाँ पड़ेगा खड़े पहले खड़े रहो 10 मिनट, 10 मिनट में आएगी गाड़ी। ये क्लस्टर बी है, यहाँ रोड का दिखेगा। हाँ वो थोड़ा बाहर का है, यहाँ पे ये सब झोपड़ी वोपड़ी से बना रखी है, यहाँ पे ये रेस्ट एरिया टाइप बना रखा है अपना रेस्ट। अच्छा हाँ उसी तरह का बना रखा है। डाइनिंग हॉल आगे यही 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 है। और अभी हमारा लंच हो गया, याशी ने क्या खाया, पनीर एंड दिस इज रोज पार्क, और क्या है बटर मिल्क है, कुकुम्बर है, टोमेटो, नान, नामिका ने भी पनीर, सिर्फ टमाटर, बटर मिल्क, और मैं कभी खीर खाया है लास्ट में, डेजर्ट में खीर खाया है। और बहुत भीड़ है यार, काफ़ी भीड़ हो रखी है। और अभी हम आ गए हैं बस में, तीनों बस में बैठ गए हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं अभी, काला डूंगर, काला डूंगर पता नहीं क्या जगह है वो बताएंगे अभी बस में ब्रीफ करेंगे, वो हाईएस्ट पीक है तो वहाँ जा रहे हैं।
पानी काट दो कौन सा कलर का लेगा यश कौन सा कलर का लेगा धीमे धीमे के मारो पानी आ गया कितने का गांधीनोदाम और हम लोग चढ़ गए थे गलत बस में। हमारी बस जाएगी 5 बजे जो कि है वाइट डेजर्ट, वाइट ट्रेन ले जाएगी और ये बस लेके आएगी काला डूंगर जो अक्की है। पैकेज है 2 nights 3 days वाला पैकेज और हमारा पैकेज है 1 night 2 days वाला। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप यही देख लो, यही कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा आपके लिए। मैंने कहा नहीं भैया, हम तो है ना जब आए हैं तो वाइट ट्रेन देखने आए हैं, गलती से चढ़ गए हैं भाई, हमारी भी गलती थोड़ी सी और बताने वाले की भी गलती। उसने बताया नहीं हमको कि है ना ये 2 nights वालों का है। उसने कहा चढ़ जाओ। तो हम लोग चढ़ गए बस में। तो अभी हम यहाँ आ गए हैं और बड़ी मुश्किल से है ना, इन्होंने पहले तो बोल दिया कि कोई व्हीकल नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से पूरा सुनसान है, कुछ भी रोड नहीं है, कोई व्हीकल नहीं चलता है यहाँ से। तो अभी हमने कहा कि बड़ी मुश्किल से प्रेशर देके और रिक्वेस्ट करके उन्होंने ना एम्बुलेंस भेजी, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है भेजने के लिए वापस ले जाने के लिए यहाँ से। तो वहाँ से अभी टेंट सिटी से एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस आएगी हमको लेके जाएगी बैठा के और अभी हम लोग वाइट जाएंगे, वापस जाएंगे टेंट सिटी। और 5 o'clock पे हमारा है सनसेट और जो भी वाइट रन का जो वो है कॉम्प्लीमेंट्री वाला बस वो ले जाएगी, वाइट डेजर्ट देख के ही जाएंगे। मेन तो हमारे लिए वही था, उसी के लिए तो आए थे यहाँ पर, तो वो देख के जाएंगे। अभी एम्बुलेंस आती होगी थोड़ी देर में, टूंगो करते हैं। टाइम है और पैसा है तो आप 2 दिन का कर सकते हैं कि ये भी अच्छी चीज़ है, मगर हमें मेन हमें 1 दिन का है। एक दिन में हमें जो फेमस चीज़ है हम उसको देखना चाहेंगे। हाँ तो हमारा तो वही था, वही हम जा रहे हैं, अदरवाइज चलते हैं अभी। और अब हम जा रहे हैं एम्बुलेंस में, भैया आए हमको लेने के लिए एम्बुलेंस में और अभी हम वापस जा रहे हैं टेंट सिटी। लोचा हो रहा है बड़ा ही ज्यादा, जब से ये रन ऑफ पचका वाला शुरू किया है ट्रिप तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मतलब है ना ऐसे कहते ना कि ना खराब मुहूर्त में निकले कच के लिए, उस तरह से हो रहा है पूरी तरह से। बुकिंग के टाइम बुकिंग का बड़ा खराब एक्सपीरियंस रहा और इसके बाद यहाँ आए, उसके बाद यहाँ के बाद ये सब हो गया, सुबह पंचर हो गया गाड़ी में, तो मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अब जैसा है भाई दिन निकलेगा, कल हम निकलेंगे तो नए मुहूर्त में भगवान की याद करके भगवान को नाम लेके चलेंगे कल और अपना बढ़िया रहेगा। अगर आज का दिन ऐसा ही रहा है, कल जब भी डेजर्ट जाएंगे वाइट रन वहाँ देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। थैंक यू भैया। तो ये अभी एक कार में बैठ गई है नहीं नहीं खुलेगी नहीं, पूरा कार का वैसा बना रखा है बस वुड से।